प्राची का नंबर क्यों नहीं लग रहा यार? सुषमा आंटी को फोन करूं क्या? सुषमा आंटी, आपने प्राची को जाने दिया? मैंने हमेशा प्राची का साथ दिया, इसीलिए उसे जाने की आजादी भी दी, उसे अपनी दुनिया चुनने की आजादी दी, और उसने रणबीर को चुना। जब उसे रणबीर चाहिए तो मेरा उसकी लाइफ में क्या काम? सो आई लेट हर गो। पर आंटी, जिस काम के लिए वो गई है, अगर वो ना हुआ तो जो वो चाह रही है वो ना मिला उसे, फिर तो उसे स्ट्रांग बनना होगा, क्योंकि इसके आगे की लाइफ आसान नहीं है। उसे अकेले जीना होगा, अकेले अपनी मंजिल तलाशनी होगी, नए रास्ते बनाने होंगे, और उन रास्तों पर उसे अकेले चलना होगा, क्योंकि आज के बाद मैं उसका साथ नहीं देने वाली। ये प्राची क्यों चली गई वहां पे? पागल है क्या? मैं सुषमा आंटी ने मना किया था, तुम क्यों चली गई वहां पे? तुम्हें सुषमा आंटी को चूज करना चाहिए, उस रणबीर को नहीं। दिन पल्लवी आंटी ने मुझसे और रणबीर से बात की, फिर हम सब ने मिलकर प्राची को दूर करने का प्लान बनाया। तुम्हें क्या लगा तुम्हारी प्रेगनेंसी की न्यूज सुनकर वो रिया से शादी करने को मना कर देगा? मुझे लगता तुम्हें एक्सेप्ट भी नहीं करे। यार, इसका फोन क्यों नहीं लग रहा? सर, आपको निकलना होगा, बट आपकी यूएस की फ्लाइट मिस हो जाएगी। अब हम अंगूठी ढूंढने की रस्म शुरू करते। दोनों हस्बैंड वाइफ में जो सबसे पहले इस अंगूठी को ढूंढेगा, लाइफ लॉन्ग उसी का राज चलेगा। शुरू करें। चलो रणबीर, तुम्हें जीतना ही पड़ेगा, वरना सोचो जिंदगी भर तुम जोरों के गुलाम बन के रह जाओगे। रणबीर, हम मिलकर इतनी दूर तक पहुंच चुके, अब हम मिलकर किसी और को हमारे बीच में नहीं आने देंगे, है ना? मम्मी, आप ये अंगूठी ढूंढने की रस्म शुरू कीजिए। वी आर रेडी। ऑफ कोर्स। One, two, and three. चलो रणबीर, शाबाश, तुम्हें जीतना ही होगा। कम ऑन, कम ऑन रिया, तुम्हें जीतना होगा। रिया, रिया।
गेम तुम दोनों की हो या पूरी फैमिली की, अब से इस घर में सिर्फ मेरा राज चले। मैं बिल्कुल सही थी, ये लड़की ना ऐसे ऐसे नहीं जाने वाली। पुलिस ही इसे यहां से धक्के मार के बाहर निकाल सकती है। लेकिन ये पुलिस अभी तक आई क्यों नहीं है? आ गई पुलिस, अब देखती हूं ये यहां से कैसे नहीं जाती है। देखेगी तो पुलिस, उन्हें आने तो दो। That's really enough. मैं आज से किसी ने फोन किया था? मैंने फोन किया था। आज मेरे बेटे रणबीर की शादी है। तो शादी मुझसे हुई, लेकिन ये लड़की प्राची ये जबरदस्ती हमारे घर में आई। सर ये हमारी शादी को स्पॉइल करने की कोशिश कर रही है और हमें धमकी भी दे रही है। सर आप प्लीज इसे अरेस्ट करके लेके जाए, क्योंकि अगर ये यहां से नहीं गई ना तो इसके बाद जो होगा ना उसके रिस्पॉन्सिबल तुम खुद होगी। मैं ही हूं, आज तक मेरे साथ जो कुछ भी हुआ उस सब के लिए रिस्पॉन्सिबल मैं ही। मैंने तुम पे भरोसा किया, मेरी गलती। मुझे लगा मम्मी ने सच्चे दिल से मुझे अपना लिया है, मेरी गलती। मुझे लगा घर आने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, गलती मेरी थी। मुझे लगा था मेरा रणबीर मेरा भरोसा कभी नहीं तोड़ेगा, मेरी गलती। तो बार बार मेरा रणबीर बोलना बंद कर। रणबीर और मेरी शादी हो चुकी है। तुम खुली आंखों से भी सपने देखती हो क्या? ये शादी नहीं हुई है, तमाशा हुआ है, नाटक हुआ है, ड्रामा हुआ है। क्योंकि रणबीर पहले से ही शादीशुदा है। रणबीर की शादी मुझसे हुई है, मैं रणबीर की पत्नी हूं। झूठ बोल रही हो तुम। मुझे तो याद नहीं है कि मैंने तुम्हें कभी कोई आशीर्वाद दिया हो जो शादी होने पर बहू को दिया जाता है। अगर तुम्हारी शादी मेरे बेटे से हो जाती तो मैं तुम्हें अपनी बहू जरूर मानती, लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। शादी तो हुई और शादी पति पत्नी के मानने से होती है, उनके घर वालों के मानने से नहीं। रहना चाहिए तब तुम बोलते हो और जब मुंह खोलना चाहिए तब चुप रहते हो। Let me correct you. मुझे जहां नहीं बोलना होता ना वहां पे मैं नहीं बोलता, और जहां मुझे बोलना होता है वहां पे मैं बहुत बोलता हूं। लेकिन इतनी देर से सिर्फ तुम ही बात कर रही थी ना, अब मैं बोलूंगा और तुम सुनोगी। हमारी शादी हो गई थी ना, प्रूफ करो, प्रूफ करो कि हमारी शादी हो चुकी, प्रूफ करो कि मैं तुमसे प्यार करता था, प्रूफ करो कि तुम मुझसे प्यार करती थी, प्रूव इट। मुझे सुनना है कि हमारी शादी हुई थी, हम साथ रहे थे क्योंकि हम एक दूसरे से प्यार करते थे। मुझे सुनना है कि मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई थी। मुझे कहना है कि मुझसे गलती हो गई थी क्योंकि तुम बिना कुछ एक्सप्लेन करे चली गई। आज कह दो कि तुम्हें एक्सप्लेन ना करके हम दोनों को अलग कर दिया, क्योंकि मुझे याद है मुझे तुमसे सच सुनना है प्राची। मान लो अपनी गलती, मान लो तुमने गलत किया है, तुम्हारा दिल हल्का हो जाएगा। एक बार मान लो, अगर तुम मान लोगी शायद मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। मुझे समझाने की भी कोशिश, समझाऊंगी भी नहीं, क्योंकि अब तुम्हें कुछ भी समझाना इस रिश्ते के लिए भीख मांगने जैसा होगा। तुमसे माफी मांगना तुम्हारे झूठे इल्जाम को एक्सेप्ट करने जैसा होगा। तुमने भी कभी मुझे नहीं देखा शादीशुदा रणबीर के साथ? नहीं।
अगर हमारी शादी नहीं हुई तो तुमने खुदकुशी करने का नाटक क्यों किया था? अगर मेरी और रणबीर की शादी नहीं हुई तो आपने अपने बेटे को घर से क्यों निकाला था? इंस्पेक्टर साहब पूछिए, इन सब से पूछिए, अगर हमारी शादी नहीं हुई थी तो इनका बेटा 2 साल से इस घर में क्यों नहीं था? और अगर इस घर में नहीं था तो कहां था और किसके साथ था? राजी, रणबीर हमारे साथ रहे या अकेले रहे ये हमारा पर्सनल मैटर है, लेकिन तुम्हारी शादी रणबीर से नहीं हुई थी। सुन लिया तुमने? क्यों, और कुछ सुनना बचा है या किसी और से भी बुलवाना बचा है? जो लोग आए हैं उनसे भी पूछ लो एक बार, सबका जवाब एक ही रहेगा कि रणबीर ने तुमसे नहीं मुझसे शादी की। इंस्पेक्टर सर, आप इस लड़की को अभी के अभी अरेस्ट करके यहां से लेकर जाइए। रणबीर और प्राची की शादी हुई थी, इन दोनों की शादी मंदिर में हुई थी, मैंने देखी थी वो शादी फोन पे, वो भी लाइव। मोबाइल फोन पे तो बहुत कुछ आता है, जो फेक न्यूज, फेक वीडियोस, तो हम कैसे मान लें कि जो आपने देखा दीदा वो इन दोनों की शादी ही थी? आपके हिसाब से अगर वो शादी हुई भी हो ना, वो शादी लीगल नहीं थी। वो लीगल थी, थी। रणबीर, इस कम विद में रणबीर, व्हाट इज दिस? तुम ये क्यों कर रहे हो? क्या कर रहा हूं मैं? तुम उसकी साइड ले रहे हो, वो हमारी शादी तोड़ने के लिए आई है, बर्बाद करने के लिए आई है वो। मैं उसकी साइड नहीं ले रहा हूं। अब मैं क्यों लूंगा उसकी साइड? मैं उसे प्यार नहीं करता। मैं किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूं रिया, मैं झूठ नहीं बोल सकता। हमारी शादी हुई है तो हुई है, मंदिर में हुई है, बकायदा कोर्ट में हुई है। तुम दोनों यहां क्यों चले आए? बाहर चलो, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। मां क्या हुआ? वो इंस्पेक्टर कह रहा है कि वो तुम्हें और रणबीर को अरेस्ट करना चाहता है। What? लेकिन हम दोनों को अरेस्ट क्यों करना चाहते हैं? आप रुकिए, मैं बात करती हूँ। रिया, तुम्हें क्या लगता है मैंने बात नहीं की होगी उससे? मुझे प्राची से बात करनी है अकेले में। नहीं, तुम प्राची से बात नहीं करोगे और अकेले में तो बिल्कुल भी नहीं। मैं तुमसे पूछ नहीं रहा था, मैं तुम्हें बता रहा था। क्या हो गया इसे? आपने देखा ना मम्मी, यू सॉ इट राइट? मम्मी वो प्राची का सपोर्ट भी कर रहा है, बात भी करने गया है। मैं इसे आपसे कह रही थी कि प्राची उसके सामने नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अगर प्राची उसके सामने आती है ना तो वो ऐसे ही बिहेव करता है। ही जस्ट चेंजेस, ही जस्ट स्विचेस। रिया, वो इमोशनल होकर नहीं गया है, वो बात को खत्म करना चाहता है। जिस बात से उसे परेशानी हो रही है उस बात को खत्म करना चाहता है। हो सकता है वो वहां प्राची से यही बात डिस्कस करने गया हो। Let him talk. ये लोग नहीं समझ रहे कि प्राची यहाँ क्यों आ रही है, उसके पीछे का एजेंडा नहीं समझ रहे। प्राची यहाँ सिर्फ मेरी शादी को तोड़ने के लिए नहीं, मुझे घर से निकालने के लिए आई है। लेकिन प्राची का ये रूप मैंने पहले कभी नहीं देखा। लगता है जैसे प्राची के पास कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग वजह है रणबीर को वापस अपनी लाइफ में पाने के लिए। क्या
आपने कहा कि आपने पहले प्राची से शादी की, उसके बाद रिया से शादी की, लेकिन आप ये शादी कैसे कर सकते हैं? देखिए, मुझे आपके पर्सनल मैटर में नहीं पढ़ना है, बट इट्स इलीगल, क्योंकि आपकी पहली वाइफ नहीं चाहती है कि ये शादी हो। देखिए इंस्पेक्टर साहब, मैं आपसे आराम से बात करूंगा, आपके सारे सवालों का जवाब दूंगा, लेकिन अभी मुझे प्राची से अकेले में बात करनी है। What is happening in this house? No, I don't get it. प्राची हमारे घर में जबरदस्ती घुस कर उसके मन में जो भी आ रहा है वो किए जा रहे हैं और हम खड़े खड़े तमाशा देख रहे हैं। मम्मी, दीदा को क्या जरूरत थी ये बताने की कि रणबीर और प्राची की शादी हो चुकी है? मम्मी जी से कोई कुछ नहीं कहेगा, तुम्हें समझना चाहिए कि वो प्राची को पसंद करती है। लेकिन विक्रम, उन्हें सबके बारे में सोचना चाहिए, उनका एक सच पूरी फैमिली को मुसीबत में डाल सकता है। अरे, किसी एक से ऐसा क्या अफेक्शन कि बाकी सब के बारे में आप भूल ही जाओ? पल्लवी, पुलिस को चले जाने दो ना, हम फिर आपस में बात कर लेंगे। अभी सब कुछ मैनेजेबल है इसलिए मैं चुप बैठी, लेकिन रिया और रणबीर को अगर कुछ हो गया ना, शिल बी आंसरेबल, उनको जवाब देना होगा। यार, व्हाट्स गोइंग ऑन? तूने तो कहा था कि तेरी और रणबीर की लव स्टोरी कॉलेज टाइम से, पर मैं यहाँ तो कुछ और ही देख रही हूँ। मैंने तुझे लव स्टोरी के बारे में जरूर बताया था, लेकिन रिवेंज स्टोरी के बारे में कभी नहीं बताया। जहाँ मेरी सो कॉल्ड बहन हमेशा मुझे बैकस्टैब करने की कोशिश करती आई है। रणबीर को ऐसा लगता है कि प्राची को रणबीर से बहुत प्यार है, क्योंकि प्राची उसे सब बिलीव करवाती, उसके फीलिंग से खेलती, उसके दिमाग से खेलती। रणबीर ने प्राची से कभी प्यार किया ही नहीं, इट्स जस्ट दैट प्राची ने जैसे कोई जादू कर दिया, इट्स लाइक दैट। और वो जादू अभी भी है, उसे अभी भी ऐसा लगता है कि वो प्राची से प्यार करता है। ये क्या तरीका है बात करने का? ये तरीका सही है तुम्हारा, जो तुम कुछ दिन पहले घर छोड़ के चली गई थी? कुछ दिन नहीं, एक महीना हो गया, इतना भी याद नहीं तुम्हें? एक महीना, 3 दिन 10 घंटे और 34 मिनट हो गए तुम्हें इस घर से बाहर निकले हुए। ये बात करनी थी इसलिए लाए मुझे यहाँ? नहीं, मैं तुम्हें यहाँ इसलिए लेके आऊँ क्योंकि मुझे तुमसे पूछना है, तुम आज ही क्यों आई हो? तुम कल आ सकती थी, तुम परसों आ सकती थी, तुम कभी भी आ सकती थी, लेकिन आज मेरी शादी वाले दिन पे तुम क्यों आई हो? तुम उस दिन भी आ सकती थी जिस दिन मैं इस शादी के बारे में सोच भी नहीं रहा। सोच भी नहीं रहा था, हमेशा से सोचते थे, हमेशा से रिया से ही शादी करना चाहते थे। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ही है। ऐसा नहीं है तो सवाल ये उठता है, इंतजार क्यों नहीं किया? मेरा इंतजार कर सकते थे ना तुम, क्यों नहीं किया? मैंने तुम्हारा इंतजार किया। यस, आई वेटेड फॉर यू। मुझसे झूठ मत बोलना प्राची। जब उसे पता चलेगा ना इस न्यूज़ के बारे में कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं माँ बनने वाली हूँ, वो पापा बनने वाला, वो खुशी की मारे पागल हो जाए। मैंने अपना बचपन अपने पापा के बिना गुजारा, मेरे बच्चे के साथ ही कभी नहीं होने दूंगी, उसे मेरा और रणबीर का दोनों का प्यार मिलेगा।